नमस्कार, टीएमटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। हमारा देश श्रद्धा भक्ति के परिप्रेक्ष्य में कुदरती श्रद्धाएं तथा पूजा पाठ में भी विश्वास रखता है। पूरे देश में ऐसे कई जगह हैं जहां लोगों की भक्ति अमिट श्रद्धा के साथ बनी हुई रहती है। आज हम ऐसे ही महाराष्ट्र के नागपुर जिले के राज्य की सीमा पर स्थित लोधाइफ गांव में बावनथड़ी नदी पर पहुंचे हैं। बावनथड़ी नदी के यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह अतिरम्य तथा मनोहरी है। इसी स्थल पर लोधीदेव बाबा देवस्थान है, जहां लोधा तथा आस पड़ोस के गांवों के लोगों की बड़ी श्रद्धा बनी हुई है। लोगों का कहना है कि इस स्थल पर सैकड़ों हजारों साल पहले से लोधीदेव बाबा रहते हैं। वे पहले यहां घोड़े पर सवार होकर विचरण करते थे, जिनके पैरों के निशान इन पत्थरों पर अमिट बने हुए हैं। लोधीदेव बाबा को पहले लोग मन्नत रखते थे और आज भी रखते हैं कि उनकी समस्या या उनकी इच्छा अगर पूरी हो जाती है, उनकी समस्या दूर हो जाती है, तो वे बाबा की पूजा पाठ करेंगे, उनकी आराधना प्रार्थना करेंगे और उनकी समस्या दूर होने पर या उनकी इच्छा पूरी होने पर लोग आज भी यहाँ पर बाबा की पूजा पाठ करते हैं, उनकी मन्नत रखकर प्रार्थना करते हैं। इसी संबंध में हम यहाँ के लोगों से बातचीत कर यहाँ का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में लोधीदेव बाबा का यहाँ पर कब से निवास था या है, और वास्तव में उनका इतिहास क्या है। पुरातन कई करोड़ों साल की पुरानी सी मान्यता है और इसी लोधा देव के नाम से लोधा गांव प्रसिद्ध है और उसका नाम लोधा रखा गया है। पुराने कहने के मुताबिक यहाँ लोधा देव, इसके पहले लोधा देव अपने साइट में जो दो खिंड पहाड़ी है, उनका पुराने लोग हमको उनका इतिहास थोड़के में बताते थे कि ये नदी को बांधने के लिए राजहंस बाबा और उसकी घरवाली पहाड़ी लेके इस नदी को बांधना चाहते थे। तो राजहंस बाबा ने कावड़, जो पुराने लोग पानी भरते थे, उस कावड़ जैसे लेके दो नदी लेके आया। लोधा देव बाबा को मालूम हुआ कि अगर ये बांधे तो मेरा स्थान डूब जाएगा, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया और उनसे लड़ाई करके आए। बहुत ये पानी भरा है, पानी के अंदर कुछ पानी खत्म होने के बाद मैं इतिहास का ये चिन्ह दिखाऊंगा। वहाँ उनके जो लड़ाई हुई है, झगड़े है, वहाँ उनके घोड़े के चिन्ह है, जूते पैर के पद चिन्ह है, लड़ाई हुई वहाँ कुछ और देखा हुआ है। साइड में उनके यहाँ इधर देखो उकल जैसा है, कुछ पुरातन लोग वहाँ उकल में अपने अपने पुरातन हिसाब से काम करते थे। इसके बाद लोगों की यह मान्यता है, हमारे लोधादेव बाबा ने पहले हमारे ग्राम रक्षा के लिए ग्राम देवता मानते हुए हमारे पुरातन लोगों ने यहाँ बड़े बड़े मन्नत रखते थे। कोई अपने परिवार में बाल बच्चे जिसको नहीं होते थे, वो आके हम मन्नत मांगते थे। मन्नत के बाद उनको टाइम देते थे, उसके बाद उनको जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती थी, इसके बाद उन यहाँ आके बहुत बड़ा मेला जलसा मजे मनोरंजन करते थे, उसका पूजा पाठ करते थे। और कई लोगों के हमारे देखते देखते में जिसके बाल बच्चे नहीं थे, जिन्होंने श्रद्धा से माने, इसके पहले अभी तो लोग मान नहीं रहे उतना, इसके पहले माने थे, बहुत लोगों को बच्चों का देन भी दिए इन लोगों ने। तब से इस बाबा की पारंपरिक पूजा चैत्र पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत महा मेला लगता है। लेकिन अभी दो साल तीन साल से ऐसा हो चुका है कि कोरोना आने के बाद पाबंदी लगी है, मेला भी अभी बंद कर दिए हैं कोरोना को देखते हुए। लेकिन इस लोधीदेव बाबा की ऐसी प्रसिद्धता है पुरातन लोगों से कि ये सबके मनोकामना पूरे किया है और गांव की रक्षा करते हुए ग्राम देवता और लोधा देव मानते हुए हम हर साल चैत्र पूर्णिमा के दिन, हनुमान जयंती के दिन यहाँ कार्यक्रम रखा जाता है, पूजा पाठ होती है। उनकी जो भी पुरातन लोगों की पारंपरिक भावना है, उस दृष्टिकोण से पूजा होता है। सभी यहाँ मेला लगता है और अपना मनोरंजन के लिए धार्मिक नाट्य वगैरह, अपना तमाशा वगैरह, जो भी लोगों की इतिहास का जो यह है बताने की, उस हिसाब से यह कार्यक्रम होते रहता है। लेकिन इस कोरोना और साथ में अभी ये जो पानी भरा है, यहाँ जल सिंचन का बंधा रहा है, इसलिए पानी की इसमें बहुत पद चिन्ह नहीं दिख रहे। कुछ दिन के बाद पानी खत्म होने के बाद बहुत बड़ा यहाँ देखने योग्य स्थान है। पारंपरिक लोग यहाँ आके बहुत दूर दूर से आके अपने मन्नत मांगते थे और सबकी मनोकामना पूरी होती थी, इसलिए इस लोधादेव बाबा बहुत पुरातन प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध होते हुए लोगों की मनोकामना ही पूरी हुई है। और
आज तक की उनका परंपरा हमको चलाना है और चलते जाना चाहिए। और मैं शासन और कोई मंत्री लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस जगह में आकर उनकी मंदिर बना के पर्यटन का इसको घोषित करके इसका काम मतलब इतिहास आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा हमारे गांव करी का मनोकामना है। ज्ञानराव जी एक बात ये बताइए, यहाँ आपने बताया पैर के निशान है, किसके पैर के निशान है? ये जो पुरातन लोधादेव बाबा जो बोल रहे हैं ना, उनकी प्रतिमा पुरानी है, अभी वो देखो दिख रहे, लेकिन अभी पानी यहाँ रहने से ये इनके निशान है, ये इनकी प्रतिमा है, ये देखो। अच्छा ये आई है, अभी पानी रहने से उनका पैर वो वहां तक यात्री है। इनका छाती का निशान है, ये मस्तक का है, ये घुटने का दिए है, उनके पैर वो पानी में डूबे हुए वहां तक के है, और यहाँ बहुत बड़ी मान्यता है। यानी ये पैर लोधादेव बाबा की तस्वीर है? तस्वीर है यह। हाँ जी हाँ, तस्वीर तो हमें भी दिखाई दे रही है, यहाँ पर लोधादेव बाबा का ये हमें चेहरा भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे पेट पैर भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये तस्वीर किसने करी होगी आपको? ये नहीं नहीं, ये हमारे आजे बाबे, हमारे तीन पीढ़ी चार पीढ़ी के पहले भी मालूम पुरातन ऐसी दिख रही है। पहले क्या हुआ है, वो लोधादेव बाबा जाने और पुरातन लोग जाने, लेकिन यहाँ हम हमारे आजे बाबे बता रहे थे, तब से ऑटोमेटिक यहाँ आकृति चाहिए। तो यहाँ पर जब लोग पूजा पाठ करते हैं तो वो कुछ मन्नत रखते हैं जिनकी कुछ समस्याएं रही तो? हाँ हाँ, बहुत लोगों को समस्या हल हो चुकी है। पहले हम छोटे थे, यहाँ लोग बंडी छकड़ा पैदल या एक बहुत बड़ा यात्रा लगता था, और अपने अपने मन्नत पूरी होने के बाद हर व्यक्ति आके अपनी मन्नत पूरी करके बाबा लोधादेव बाबा के जो मान्यता में एक कबूल किए रहते थे उनको प्रसादी तौर या पूजा के तौर से आके अपने अपने पूजा और श्रद्धा अर्पित करते थे। बावनथड़ी नदी से अभी हम लोधा गांव में पहुंचे हैं, जहां पर हरिप्रसाद जी गुप्ता गांव के अनुभवी और प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि वहां पर नदी में क्या इतिहास है। गुप्ता जी आपका टीएमटी न्यूज 24 में स्वागत है। लोधादेव बाबा लोधा इस गांव के नाम के आधार पे उनका लोधादेव बाबा ये नामकरण हुआ है कि लोधादेव बाबा के नाम के आधार पे लोधा इस गांव का नामकरण हुआ है? लोधादेव के नाम से लोधा का लोधा गांव पड़ा है। पुरन तत्व के कारण यहां पर लोग मान्यता मान कहते हैं कि यहां पर लोधादेव पहले रहता था, और लोधादेव रहता था यहां पर राजहंस पहाड़ी से घोड़े पे बैठ कर राजहंस राजा यहाँ पर पूजा करने आया करता था। आज भी उस जगह पे खतरों में घोड़े के निशान हाथियों के निशान आज भी मौजूद है। मैं उम्र मेरी 75 साल की हो गई है, मैं जब से मतलब देखते हुए और सुनते आ रहा हूँ कि यहाँ मान्यता मानी जाती है। असल में एक बार यहाँ पर मेला भरता है नदी के अंदर, लोग बहुत दूर दूर से आके यहाँ पर अपनी मतलब भावनाओं का अनुकरण करते हैं और मांगना मांगते हैं, कई लोगों की मान्यता पूरी होती है, इसलिए आज भी वो लोधादेव बाबा को लोग पूछते हैं। लोधी बाबा कई बार यहाँ पर जो बावनथड़ी जो तेज प्रकल्प जो बावनथड़ी का बना हुआ है वो यहाँ बन रहा था, उन्होंने रात में सपना दिया कि अगर तुम यहाँ पर तेज नदी को बांधोगे तो मैं डूब जाऊंगा और वो बांध नहीं रहेगा, इसलिए ये पेज जो सीता का सा जो बांध है वो सीता पार के नाम से था। आज भी ब्रिटिश गवर्नमेंट में नीचे पहाड़ी के ऊपर बोर वोर करे थे, उनके टाइम पे वो मतलब सपने दिया था, उन्होंने बोर करने के बाद में नदी में आज भी बोर पड़े हुई है ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उन्होंने ये जगह छोड़ के मतलब बावनथड़ी बांध तो नीचे ले गया, सीता का सा ले गया। यानी लोगों को ऐसा सपना है कि यहाँ पे आप बांध न बांधे, लोधादेव बाबा ने लोगों को सपने में ये बताया अगर तुम बांधोगे तो मैं डूब जाऊंगा। अच्छा अच्छा, गुप्ता जी एक बात बताइए, लोगों का ऐसा कहना है कि कई लोगों को बाबा सिंह ने दर्शन भी दिए, तो ये बात कहाँ तक सत्य है? ये पुराने लोगों को जो हमसे उम्र में ज्यादा थे जो यहाँ रहे हुए थे उनको स्वप्न दिए होंगे, उनको सपने दिए, जब ही सीता का बांध का निर्माण चालू होते होते रुक गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोर किया है, आज भी वो बोर मौजूद है नदी के अंदर, अपनी जो शीतलागढ़ पहाड़ी नीचे जाते ना वो पत्थरों के ऊपर बोर है बना हुआ, आज भी गड्ढे हैं वहां पर तो, और ऊपर उस पार की पहाड़ी पे नाप जो किए थे एक पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है वन का।
और पत्थर गड़ा हुआ, आज भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का पत्थर गड़ा हुआ मौजूद है वहाँ। यानी वहाँ पर ब्रिटिश शासन का पत्थर गड़ा हुआ मौजूद है, आज भी गड़ा हुआ है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, इतिहास के दृष्टिकोण से गुप्ता जी का कहना है कि वहाँ पर ब्रिटिश कालीन कुछ धरोहर है जिसकी अगर खोजबीन होती है तो एक बहुत सुंदर इतिहास यहाँ लोधा गांव से हमें स्पष्ट होते दिखाई दे सकता है। इस संदर्भ में हम और आगे कोशिश करेंगे कि और ज्यादा जानकारी जुटा सके और लोगों के सामने जानकारी को साझा कर सके। माझं पूर्ण नाव सरिता संजू अळमाची आहे, पिंकापार लोध्या मी सरपंच आहे। आणि लोधी घाट म्हटलं तर आपल्या बावलीच्या मधल्या भागी आहे हे लोधी घाट। आणि त्या लोधी घाट मध्ये दरवर्षी तिथे पूजापाठ वगैरे होते आणि मेळा सुद्धा भरला जाते तिथे हनुमान जयंतीला। आणि तिथली पूजाही खूप चांगली राहते, बाहेरबाहेरचे म्हणजे बाहेरगावून लोक वगैरे येतात तिथे पूजा वगैरे करतात आणि खूप चांगले मानतात त्या लोधी देव बाबाला आणि गावातले सुद्धा मानतात। आणि प्रत्येक दरवर्षी तिथे मेळा वगैरे भरला जातो आणि येतात। आणि आपली शांताकुंभे ताई सुद्धा तिथे येते मेळ्यामध्ये, आपले तिथे जे काही आहे आपले तिथे ते मांडतात प्रश्न, आपण तेच जेवढं आपल्याला जमते आपणही तेवढं बोलतो त्यांच्यासोबत की आपल्याला लोधी घाट दरवर्षी तिथे भरायला पाहिजे। आणि सगळ्यांची इच्छा आहे की तिथे सगळ्यांनाच समाधान मिळते लोधी घाट मध्ये। एवढं मी माझं बोलून संपवते। जय हिंद जय भारत। जैसा की हमें ज्ञानराव फुलबेल जी इन्होंने बताया कि यहाँ पर सैकड़ों नहीं उसके पहले के सालों से लोधी देव नाम के बाबा रहते थे और जो घोड़े पर यहाँ पर घुमा करते थे, जब वे घोड़े से घूमते थे तो यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पर पानी जमा है जिसकी वजह से घोड़ों के पैरों के निशान हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, किंतु उन्होंने जो बताया कि यहाँ पर लोधी देव बाबा की पत्थर पर आकृति है तो आकृति तो हमें भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी पानी की वजह से उतनी स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है किंतु आकृति यहाँ पर है। ये लोधी देव बाबा का चेहरा जो है मस्तक का भाग है, यहाँ पर उनका पेट भी हमें दिखाई दे रहा है और इधर नीचे साइड में उनके पैर चरण हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो स्थानिक श्रद्धालुओं का साफ तौर पर कहना है, जैसे कि ज्ञानराव जी ने बताया कि जिनको कुछ समस्याएं रहती थी व्यक्तिगत तौर पे पारिवारिक तौर पे, उन समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ के स्थानिक लोग ही नहीं बल्कि बाहर गाँव के लोग भी यहाँ पर लोधी देव बाबा के दरबार में आते थे, अभी भी आते हैं और उनको समस्या दूर करने के लिए कहते थे। जब उनकी समस्या दूर हो जाती थी तो अपनी मन्नत पूरी होने के उपलक्ष्य में वे यहाँ पर आकर लोधी देव बाबा की पूजा पाठ करते थे और उन्हें धन्यवाद व्यक्त करते थे। बावनथड़ी नदी का यह बहुत ही कुदरत रम्य परिसर है और यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर दृश्य है, पानी थमा हुआ है और इसी सुंदर दृश्यों के बीच में यहाँ पर दो तीन साल पहले तक मेला लगता था। बुजुर्ग से लेके तो नौजवान बच्चे सभी लोग यहाँ पर रात भर रहते थे, रात भर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का वे लोग आनंद लेते थे और उसके बाद सुबह मीठा मुंह करके लोधी देव बाबा की पूजा आराधना करके यहाँ से जाते थे। लेकिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ और उसके कारण दो तीन सालों से इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर बंद है। लेकिन लोगों का कहना है कि शासन प्रशासन ने लोगों की श्रद्धा और भक्ति को देखते हुए इस पौराणिक स्थल की ओर ध्यान देना चाहिए और जहाँ पर लोगों की अटूट श्रद्धा बनी है उसका विकास करने के लिए प्रयास करना चाहिए। टीएमटी न्यूज 24 के लिए नागपुर से कैमरामैन पंकज माफुरकर के साथ उमेश फुलबेल।